हेलो बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इट इज आवर थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज माय थर्ड लेक्चर. ये बहुत ही इजी है, हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. उत्तर के अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द टोटल चार्ज इन ए सिस्टम कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. ओनली वी कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन ए सिस्टम. कहने का मतलब है इन ए सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स क्या रहता है, कंजर्व रहता है. ना तो चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम खुद उसे क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज चार्ज ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होता है. तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट कहा है अभी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. तो देखते हैं सिंपल सा एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का, यहाँ पर न्यूक्लियर डीके. और न्यूक्लियर डीके में भी हम लोग लेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट को लेंगे. देखते हैं कि हमारा ये जो यूरेनियम 92-238 है, ये हमारा अल्फा डीके होता है. यहाँ पर ये अल्फा डीके इसको कहते हैं, अल्फा डीके होता है. क्यों अल्फा डीके कहेंगे, क्योंकि इस फ्यूजन प्रोसेस में हमारा अल्फा पार्टिकल जनरेट होता है. देखिए अब ये डीके होने के बाद ये थोरियम 92-234+ हीलियम 2-4 जनरेट होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होता है यहाँ से. यही जो हमारा ये जो हीलियम 2-4 है, इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं. यानी इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम लोग इसको अल्फा डीके भी कह सकते हैं. अब देखिए बिफोर डीके हम लोग देखेंगे, बिफोर डीके क्या है हमारे पास टोटल चार्ज इसमें, तो क्यू बराबर कितने पार्टिकल है, यहाँ पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या 92, तो एक पार्टिकल का चार्ज ई होता है, तो 92 का कितना हो जाएगा 92e. अब देखिए आफ्टर डीके अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आफ्टर डीके इस सिस्टम एक सिस्टम फॉर्म किया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 90e है, प्लस यहाँ पर कितना है 2e है, बराबर 92e. अब देखिए बिफोर डीके टोटल चार्ज कितना था 92e, आफ्टर डीके टोटल चार्ज कितना हो गया 92e. तो यही हम लोग कह सकते हैं इस थ्योरी से कि टोटल चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं इस प्रोसेस में आगे चलते हैं कि और क्या क्या इसमें हमारा कंसेप्ट है. तो हम लोग देखते हैं पेयर प्रोडक्शन, जो हमारा पेयर प्रोडक्शन का कंसेप्ट है, पेयर प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है हमारे पास, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि गामा फोटोन जब मैटर के साथ इंट्रैक्ट करता है तो ये हमारा क्या जनरेट करता है, पॉजिट्रॉन पैदा करता है और इलेक्ट्रॉन पैदा करता है. देखिए बिफोर रिएक्शन, बिफोर दिस प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, कोई प्लस या कोई माइनस का साइन नहीं, यानी ये इंडिकेट करता है कि द नेट चार्ज ऑफ दिस प्रोटॉन इज व्हाट, जीरो. तो यहाँ बिफोर प्रोडक्शन टोटल चार्ज इज जीरो ही, और आफ्टर प्रोडक्शन देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, प्लस 1e एंड माइनस 1e, और ये हो जाएगा हमारा जीरो ही. देख सकते हैं आप लोग बिफोर प्रोडक्शन टोटल चार्ज जीरो, आफ्टर प्रोडक्शन टोटल चार्ज ऑल्सो जीरो. इसी को कहते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन, और जब इसका रिवर्स लेंगे तो हम लोग उसी कहेंगे पेयर एनिहिलेशन. पेयर प्रोडक्शन होने के लिए पार्टिकल प्रोटॉन का पार्टिकल के साथ इंट्रैक्ट या मैटर के साथ इंट्रैक्ट होना मस्ट है. हम लोग बहुत दफ़ा हम लोग देखते हैं, कभी कभी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ये जो पेयर प्रोडक्शन इज पॉसिबल इन, बहुत सारे क्यूरा वगैरह में भी क्वेश्चन आता है कि पेयर प्रोडक्शन इज पॉसिबल इन स्पेस या वैक्यूम. तो हम लोग जानते हैं कि इन वैक्यूम में देर इज नो एनी मैटर, कोई भी मैटर नहीं, कोई भी पार्टिकल नहीं है, इसलिए फोटोन का वहाँ पर इंट्रैक्शन नहीं होता है. दैट्स वाई वहाँ पर पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, और इसका ये है
तो वहाँ एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाता है, है ना, या वहाँ मोमेंटम, रिकॉइल ऑफ मोमेंटम भी चाहिए, दैट्स व्हाई वैक्यूम में हमारा एयर प्रोडक्शन नहीं होता है। ये हमारा था थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो हम लोग कहते थे कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी में, वो होगा चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बॉडी में अपीयर होता है, ठीक है, कैसे इंडक्शन होता है, मेरा वो लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, थैंक यू।